गाइस क्या आप इन दोनों कार्स को देख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी कार मारुति सुजुकी बलिनो है एंड कौन सी टोयोटा ग्लांजा? आपको मैं देता हूं सिर्फ एक घंटे का टाइम, गेस करिए। नहीं बता पाएंगे आप, अनलेस आप इन दोनों कार्स को ओन करते हो या फिर आप इन दोनों कार्स को रेगुलरली देखते हो। बट अगर सेम क्वेश्चन में आपको इन दोनों के बैजेस दिखा के पूछता तो आप इजीली बता देते कि राइट साइड वाली टोयोटा ग्लांजा है एंड लेफ्ट साइड वाली मारुति सुजुकी बलिनो। तो गाइस देखा आपने कि कैसे ऑटोमोबाइल कंपनी सेम कार को अलग अलग बैजेस लगा के उसे एक डिफरेंट नाम से बेच सकती है। तो इस प्रैक्टिस को हमने एक टेक्निकल नेम दे दिया, वो है बैज इंजीनियरिंग या फिर रीबैजिंग। एंड अगर इसकी डेफिनेशन देखे तो बैज इंजीनियरिंग इज ए प्रैक्टिस वेयर ए कंपनी अप्लाइज ए न्यू बैज टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सेल इट एज ए डिफरेंट प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोडक्ट से मेरा मतलब है कि डिफरेंट नेम या कभी कभी स्लाइटली डिफरेंट डिजाइन या फिर डिफरेंट मैकेनिकल कंपोनेंट्स के साथ भी। बट फिर बात आती है कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी या फिर बैज इंजीनियरिंग की एडवांटेज क्या है। तो गाइस जब भी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का डिसाइड करती है तो उसके लिए कंपनी को एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी उसकी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे इसका थोड़ा सा अमाउंट उसकी R&D पे। एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है इसलिए इसका थोड़ा सा अमाउंट उसकी प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी यूज होती है उसमें भी खर्च होता है। एंड इसी कॉस्ट को बचाने के लिए कंपनी बैज इंजीनियरिंग का यूज करती है क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है कंपनीज को। ये बैज इंजीनियरिंग अभी थोड़े टाइम से लोगों की नजरों में आई है, जब से टोयोटा ने डिसाइड किया है कि वो मारुति सुजुकी की कार्स पे अपना बैज लगा के उन्हें डिफरेंट नेम से बेचेगी टू मेक अ फ्यू एक्स्ट्रा बक्स। बट क्या आप जानते हैं कि बैज इंजीनियरिंग इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा टाइम से चली आ रही है एंड ये इंडियन मार्केट्स में इतनी ज्यादा बार हो चुकी है कि इसे एक वीडियो में बताना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन पॉपुलर कार्स के बारे में जिसमें बैज इंजीनियरिंग का यूज हुआ। तो चलिए फिर देर किस बात की, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे आती है मारुति 1000 जिसे 1990 में इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया गया एंड 1994 में इसका नेम चेंज करके मारुति 1000 से कर दिया गया मारुति ईस्टीम। एंड ये गाड़ी एक रीबैज वर्जन थी सुजुकी स्विफ्ट का जो 1988 में जापान में लॉन्च हुई थी। एंड ऑफ कोर्स ये वाली स्विफ्ट नहीं है जिसे हम आज जानते हैं, बट जब मारुति ने इस रीबैज सुजुकी स्विफ्ट को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया गया तब ये सिर्फ मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। बट जब 2007 के बाद सुजुकी ने अपनी शेयर होल्डिंग में अपने स्टेक्स मारुति से ज्यादा बढ़ाए तब से मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम बदल के रख दिया गया मारुति सुजुकी। एंड मजे की बात तो ये है गाइस कि इस सुजुकी स्विफ्ट को इंडिया के अलावा भी 11 अदर कंट्रीज में बेचा गया था अलग अलग नेम से। जैसे इंडियन मार्केट्स में इसे नेम दिया गया मारुति 1000, उसी तरह लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील में इसे नाम दिया गया शेवरले स्विफ्ट। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मारुति 1000 में आपको मिलता था 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जिसे बाद में 1 लीटर से 1.3 लीटर में अपग्रेड कर दिया गया जब इसका नाम मारुति 1000 से बदलकर मारुति ईस्टीम रखा था। एंड ये 1.3 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्रोड्यूस करता था अराउंड 65 BHP ऑफ पावर एंड 90 Nm ऑफ टॉर्क जो कि आज के हिसाब से पावर आउटपुट में काफी ज्यादा कम है। एंड उसके कुछ ईयर बाद मारुति सुजुकी ने इसमें कार्बोरेटर सिस्टम हटा के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का पहली बार यूज किया एंड तब इस 1.3 लीटर के इंजन की पावर आउटपुट 65 BHP से हो गई 85 BHP ऑफ पावर। तो गाइस सेकंड नंबर पे आती है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पैसेंजर कार जिसका नेम है
टाटा इंडिका। इसको टाटा ने 1998 में इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया था एंड 5 इयर्स लेटर यानी 2003 में इंडिका को रिबैच करके यूके में लॉन्च किया गया सिटी रोवर के नाम से। दैट वॉज मार्क्ड बाय फॉर्मर ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर एमजी रोवर एंड इसका प्रोडक्शन जो है यूके में सिर्फ 2 साल चला एंड 2005 में एमजी रोवर कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। बट शॉकिंग बात तो ये है कि आज की डेट में टाटा अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी की वजह से जानी जाती है। बट 1998 में इंडियन मार्केट्स में कस्टमर्स बिल्ड क्वालिटी को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे जितना कि आज देते हैं। उन्हें बस एक चीज से मतलब था कि गाड़ी स्पेशियस होनी चाहिए एंड उसकी माइलेज ज्यादा होनी चाहिए एंड इंडिका इन दोनों विशेष को अच्छे से फुलफिल कर रही थी। इस वजह से इंडिका इंडियन मार्केट्स में जबरदस्त हिट हुई। बट जब यही इंडिका सिटी रोवर बनके यूके में लॉन्च हुई तो वहां पे इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जैसे कि आजकल के टाटा कार्स में देखने को मिलती है। एंड क्योंकि यूके के लोग उस टाइम पे भी बिल्ड क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे इस वजह से इसे वर्स्ट कार की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो गाइस थर्ड नंबर पे आती है शेवरले स्पार्क जो कि एक रीबेस्ड वर्जन था डेवू मटीस का। एंड 90s के टाइम में डेवू मोटर्स जो कि साउथ कोरिया की कंपनी थी वो इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा फेमस थी। बट समवेयर अराउंड 2001 एंड 2 में ये कंपनी पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो गई थी जिसके बाद इसे जनरल मोटर्स ने खरीद लिया था। बट तब भी इसका नेम जीएम ने चेंज नहीं किया, तब भी ये कार जीएम डेवू के नाम से ही जानी जाती थी। बट 2011 में जनरल मोटर्स ने इसे पूरी तरह से डिफंक्ट कर दिया एंड ये डेवू नेम हमेशा के लिए ही हिस्ट्री में रह गया। एंड क्योंकि शेवरले भी जीएम मोटर्स की सब्सिडरी है इसलिए कुछ साल बाद शेवरले ने डेवू मटीस पे अपना बैज लगाकर उसे मार्केट में उतारा एंड तब ये डेवू मटीस से बन गई थी शेवरले स्पार्क जिसे ग्लोबल मार्केट में सेकेंड जनरेशन मटीस के नाम से भी जाना गया। एंड बाद में इसका थर्ड जनरेशन मॉडल भी इंडिया में लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया शेवरले बीट जिसे दूसरे कंट्रीज में मटीस क्रिएटिव या फिर शेवरले स्पार्क जीटी नाम से भी जाना गया बट इंडियन मार्केट्स में इसे बीट ही नाम दिया गया। गाइस मटीस को स्पार्क एंड बीट में रीबैजिंग करके शेवरले को इंडियन मार्केट्स में काफी ज्यादा सक्सेस मिलने लगी इसलिए शेवरले ने एक बार फिर से रीबैजिंग करने की सोची एंड ग्लोबल मार्केट की फेमस सेडान डेवू लसेटी को इंडियन मार्केट्स में शेवरले ने उतारा जिसे रीबैज करके नेम दिया गया शेवरले ऑप्ट्रा। एंड अगेन शेवरले ऑप्ट्रा भी इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी फेमस हुई। बट गाइस मजे की बात तो ये है कि इसी शेवरले ऑप्ट्रा को यूनाइटेड स्टेट्स में बेचा गया सुजुकी फोरेंजा के नाम से। सो देखा गाइस आपने कैसे डेवू लसेटी जब इंडिया में आई तो उसे नाम दिया गया शेवरले ऑप्ट्रा। बट जैसे डेवू लसेटी यूएसए में गई तो उसे नेम दिया गया सुजुकी फोरेंजा। बट आप जानते हैं कि ये दोनों गाड़ी सेम है। हाँ तो गाइस 2004 में ऑप्ट्रा के लॉन्च होने के बाद शेवरले ने अपनी एक और सेडान को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जिसका नाम था शेवरले एवियो। बट इंडियन मार्केट्स में अब कार एंथुजियास्ट को एक पावरफुल सेडान चाहिए थी एंड उस टाइम पे स्कोडा ऑक्टाविया कार एंथुजियास्ट की पहली पसंद थी, आज भी है बट उस टाइम भी ज्यादा थी। इसके बाद ह्यूंडई ने भी अपनी इलांट्रा को इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया इसलिए शेवरले को भी मार्केट में बने रहने के लिए एक ऐसी कार की जरूरत थी जो ऑक्टाविया और इलांट्रा को कंपीट कर सके। एंड तब शेवरले ने अगेन अपने पुराने टूल को यूज किया बैज इंजीनियरिंग एंड 2009 में शेवरले ने सेकंड जनरेशन डेवू लसेटी को इंडियन मार्केट में शेवरले क्रूज के नाम से लॉन्च किया। एंड मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं कि शेवरले क्रूज आज भी कार एंथुजियास्ट की पसंदीदा कारों में से एक है। इसे शेवरले ने इंडियन मार्केट्स में सिर्फ एक इंजन के साथ उतारा जो था पावरफुल 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन। एंड अगर इसके पावर आउटपुट की बात करें तो इसका पावर आउटपुट था अराउंड 163 bhp ऑफ पावर एंड 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क व्हिच इज माइंड ब्लोइंग। एंड 2009 में जब शेवरले ने अपनी क्रूज को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया तब फॉक्सवैगन ग्रुप को यह बात पता लग चुकी थी कि अब उनकी स्कोडा ऑक्टाविया को टक्कर देने के लिए कोई दूसरी सेडान भी मार्केट में अवेलेबल है। सो गाइज ये थी 5 पॉपुलर कार्स जो हमें दिखाती है कि बैज इंजीनियरिंग इंडियन मार्केट्स में काफी टाइम से चली आ रही है।
बट अभी लिस्ट यही खत्म नहीं होती। अभी बहुत सारी कार इस लिस्ट में हैं जिनमें बैज इंजीनियरिंग का यूज हुआ है, बट उनके बारे में सिर्फ एक वीडियो में बताना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। बट आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके पार्ट टू में बची हुई रिमेनिंग कार्स की वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।